श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय, सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय, संत श्रोमणि गजानन महाराज की जय, आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय, श्रियावल्लभ रामचंद्र की जय, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा। वेदाधारे बोलती केवळा कर्म प्रतिष्ठिते, परिकर्म फळे आसक्ति धरुनिया। म्हणून संसारे जन्मीचे यज्ञाधिक कर्म कीजे, मग स्वर्ग सुख भोगीजे मनोहर। येते वाचुनी काही आणिक सर्वता सुखजी नाही, ऐसे अर्जुना बोलती पाही दुर्बुद्धि दे। देखे कामना अभिभूत होनी कर्मे आचरत, ते केवल भोगी चित्त देवोनिया। क्रिया विशेषे बहुते न लोपिते विदिते, निपुण होऊन धर्माते अनुष्ठिते। परी एकचे कुडे करीते जे स्वर्ग कामो मणिधरिते, यज्ञ पुरुषा चुकते भोक्ता जो। कुंडली कवर दे श्री ज्ञान देव तुकारा, पंडरीनाथ महाराज की जय, जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी के चरण कमलों में वंदन, परम पूज्य कानिफनाथ जी को नमन, और यहाँ इस सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा श्री गुरुदेव। जिस प्रकार से, जैसा कि हमने ज्ञानेश्वरी इस ग्रंथ में अब तक सुना, हमने जाना कि अर्जुन जब पूरी तरह से हताश हो चुका था, वो एक हट्टी बालक की तरह हट कर रहा था कि नहीं हे कृष्ण, अब मैं ये युद्ध करने के योग्य नहीं, अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तब भगवान श्री कृष्ण माता की भूमिका लेकर उसे हर प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब वो देखते हैं कि वो समझने को ही तैयार नहीं, तब भगवान श्री कृष्ण को सद्गुरु की भूमिका लेनी पड़ती है। और सद्गुरु की भूमिका लेकर अब उस कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को उस गूढ़ ज्ञान को समझा रहे हैं, उस आत्मज्ञान को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और इसीलिए उस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ उस कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का ज्ञान दिया था, आत्मज्ञान दिया था। और उस ज्ञान को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान के बारे में मैंने तुम्हें अब तक सांख्य योग द्वारा समझाया, अब तुम निष्काम भाव से कर्म करने को मैं तुम्हें समझाता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक समझो और उस तरीके से तुम कर्म करो। निष्काम भाव से कर्म करने के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए वो हम आज के प्रवचन में सुनेंगे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे वेदों में वर्णित अलंकारित जो शब्द होते हैं उनमें अत्यंत ही आसक्त रहते हैं, जो कि स्वर्ग सुख की प्राप्ति, अच्छे जन्म की प्राप्ति, शक्ति, रिद्धि सिद्धि, इस प्रकार के सकाम कर्मों को दर्शाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई बहुत सुंदर फूल किंतु विषैला और कोई सुंदर फल किंतु विषैला, ऐसे फल की तरफ जब हम आकर्षित हो जाते हैं, उस विषैले को फल को जब हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं, निश्चित ही हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से इस भौतिक ऐश्वर्य में फंसकर हमारी अधोगति निश्चित ही हो जाती है। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई युवती, कोई महिला भोजन बनाने के लिए बाजार से बहुत से पैसे खर्च करके सामान लाती है और बहुत कष्ट करके भोजन बनाती है, भोजन पकाती है, और जब उस स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने की बारी आती है, उसे खाने की बारी आती है, तब वो महिला कुछ पैसों के लिए उसे किसी और को बेच देती है। ठीक उसी प्रकार से इतने कष्टों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। 84 लाख योनियां घूमने के बाद हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और इस मनुष्य जन्म में आने के बाद अगर हम भौतिक ऐश्वर्यों में फंसे रहे या स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा हमने मन में रखी, तो फिर से वही स्वर्ग, वही नर्क, वही जन्म, वही मृत्यु, इस प्रकार से इसी फेरों में हम फंसे रह जाएंगे। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म में आने के बाद ये हमारी योग्यता नहीं है। हमारी योग्यता है कि हम परमात्मा स्वरूप बने, क्योंकि हम उस परमात्मा के ही अंश हैं और उस परमात्मा ने इस मनुष्य जन्म में हमें ये मौका दिया है कि हम इस जन्म में आने के बाद परमात्मा स्वरूप बन सकते हैं। परमात्मा के ही हम स्वरूप है, उसी के हैं हम अंश हैं, और इस जन्म में आने के ही बाद केवल मनुष्य ही जन्म में ऐसी हमें सहूलियत मिली है कि हम इस जन्म में आने के बाद अपना कल्याण करके उस परमात्मा के स्वरूप में फिर से विलीन हो सकते हैं। ऐसे इस जन्म को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सकाम भावना रख के कर्म करते हैं उनके मन में दृढ़ भावना कभी भी उत्पन्न नहीं होती, वो कभी भी दृढ़ संकल्पी नहीं हो सकते। और भगवान श्री कृष्ण हमसे आगे क्या कहते हैं, एक श्लोक द्वारा हम जानें। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में मुख्यतः तीन प्रकार के गुणों के बारे में वर्णन किया गया है, अर्थात रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों ही गुणों से तुम ऊपर उठो और इन तीनों ही गुणों से ऊपर उठकर आत्मपरायण बनो, और जब तुम आत्मपरायण बनोगे तभी ये संभव है कि तुम्हारे अंदर वो ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होगी। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है आध्यात्मिक प्रश्न, जैसे मैं कौन हूँ, आखिर मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से, मृत्यु पश्चात कहाँ जाऊँगा। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसे हम ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक प्रश्न कहते हैं। और इस प्रकार की जिज्ञासा, इस प्रकार के प्रश्न जब हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम परमार्थ पथ पर हैं और सही दिशा में हमारा पथ क्रमण हो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सारे वेदों का सार, सारे वेदों का अंतिम ध्येय यही है कि आत्मज्ञान को प्राप्त किया जाए। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ इसी ओर हमें अग्रसित करते हैं, इसी ओर हमें मार्ग दिखाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए सबसे सरल मार्ग इस कलयुग में है कि हम सद्गुरु की शरण में जाएं और भक्ति करके उनके कहे गए वचनों को मानकर हम निष्काम कर्मयोगी बने। निष्काम कर्मयोगी का सबसे बड़ा उदाहरण जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज स्वयं हैं। उनके जीवन की ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो कि उनके निष्काम कर्मों को, उनकी निष्काम भावना को दर्शाती है। जैसे जब जगतगुरु श्री ने अनुग्रह लिया था अपने सद्गुरु ब्रह्मलीन काट सिद्धेश्वर महाराज जी से,
अनुग्रह के कुछ महीनों पश्चात ही उनके सद्गुरु ने उनसे कहा कि तुम अपनी नौकरी को छोड़ दो। उन्होंने आज्ञा दी कि तुम अपनी नौकरी से राजीनामा दे दो। अगर हम होते जगतगुरु श्री की जगह तो अवश्य ही हम सोचते कि अगर हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे तो हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से कर पाएंगे। और इस कलयुग में जहाँ कोई किसी का नहीं होता, वहाँ बिना पैसों के आखिर भविष्य में हमारी क्या दुर्दशा होगी। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न हमारे मन में आते, क्योंकि नौकरी जो थी वो भी ऐसी वैसी न थी। ग्राम सेवक की नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी, किंतु फिर भी सद्गुरु जी ने, हमारे जगतगुरु श्री ने एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं किया। उन्होंने अपने सद्गुरु की आज्ञा का पालन किया और अपनी नौकरी से राजीनामा दे दिया। इस घटना से, इस प्रसंग से हमें ये ज्ञात होता है कि जगतगुरु श्री में थोड़ी सी भी सकाम भावना, थोड़ी सी भी स्वार्थ की भावना शेष नहीं है। जगतगुरु श्री पूर्ण रूप से अपने सद्गुरु के शरण गए। उन्होंने अपनी निष्काम भक्ति द्वारा अपने सद्गुरु की कृपा को प्राप्त किया और अपने सद्गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त किया। और उनके सद्गुरु काटसिद्धेश्वर महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम भविष्य में अवश्य ही जगतगुरु बनोगे। और उनके वाक्यानुसार, उनके आशीर्वाद के अनुसार स्वामी नरेंद्र महाराज जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज बने। ऐसी होती है सद्गुरु की कृपा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम पूर्ण रूप से मेरी शरण में आओ। और पूर्ण रूप से मेरी शरण में आने के बाद जो भी तुम्हारे मन में चिंता है, जो भी सुख दुख है, भविष्य और भूतकाल की सारी चिंताओं को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ। और मेरे कहे अनुसार अगर तुमने कर्म किया, अर्थात निष्काम कर्म किया, तो भी तुम अवश्य ही मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। अब तक हमने सुना निष्काम कर्म के उदाहरण को, अब आइए सकाम कर्म करने से आखिर, सकाम कर्म करने का आखिर क्या परिणाम होता है, एक कहानी द्वारा जानें। एक छोटे से गांव में एक कन्या थी, अर्थात एक लड़की थी। वो शिव भक्त थी। वो रोज़ प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवालय में जाया करती थी, मंदिर में जाया करती थी, भगवान शंकर की भक्ति करती थी, उनकी अर्चना करती थी और घंटों बैठकर साधना किया करती थी। इसी प्रकार से वर्षों तक भक्ति करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उस लड़की के समक्ष वो प्रकट हुए और उसे कहने लगे कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें जो भी वर चाहिए वो तुम मुझसे मांग लो। तब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। वो शंकर के चरणों में जाकर नतमस्तक होकर उनसे कहने लगती है कि हे प्रभु, मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर, और अगर आपको वर देना ही है तो मेरे मन में एक कुतूहल है, एक प्रश्न है कि आखिर जब लोग मरते हैं, मनुष्य जब मरता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या होता है उस आत्मा का। तो मुझे आप यही वर दीजिए कि जब भी कोई मरे, जब कोई मनुष्य मरे तो उसकी आत्मा मुझे दिखाई दे। भगवान शंकर हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे वर्षों की भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ और इस भक्ति द्वारा तुम अपने जीवन का सार्थक कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ, मोक्ष भी प्रदान कर सकता हूँ, तो फिर तुम इस प्रकार का क्षणिक वर मुझसे क्यों मांगती हो। किंतु फिर भी उस लड़की को उस मोक्ष के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वो कहती है कि नहीं, जो वर मैंने मांगा है आप कृपा करके वही वर मुझे प्रदान करें। तब भगवान शंकर उसे कहते हैं, ठीक है, इस वर को मैं तुम्हें देता हूँ, प्रदान करता हूँ, केवल एक बात को ध्यान रखना कि अगर इस वर के बारे में तुमने किसी से भी कह दिया, अर्थात इस वर को तुम्हें गुप्त रखना होगा, गोपनीय रखना होगा, अगर इसके बारे में तुमने किसी से भी कह दिया तो तुम पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाओगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं और वो लड़की वहाँ से प्रस्थान करती है। कुछ महीनों के पश्चात उस लड़की का विवाह हो जाता है और जिस गांव में उसका विवाह होता है, जिस वो अपने ससुराल में रहने लगती है, और उसी गांव में, उसके पड़ोस में
एक वृद्ध मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सारे लोग वहाँ जमा होते हैं, अंतविधि की सारी प्रक्रिया, सारी विधि चालू हो जाती है। वो लड़की भी वहाँ उपस्थित रहती है। और जो वो वृद्ध मनुष्य था वो अत्यंत ही सज्जन था। अपने जीवन में उसने बहुत से परोपकार किए थे, दान धर्म किया था। और वो लड़की को जैसा कि वर प्राप्त था वो देखती है, मृत्यु पश्चात उसकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत आए हुए हैं और उनको रोककर वो आत्मा उस शरीर के पास आती है और रोने लगती है, बड़ी ही व्याकुल हो जाती है उस शरीर से अलग होते हुए। उसकी इस व्याकुलता को देखकर वो लड़की को बहुत दुख होता है, वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। सारे लोगों को आश्चर्य होता है कि ये लड़की अभी अभी यहाँ शादी करके आई हुई है, इस वृद्ध मनुष्य को तो ये जानती भी नहीं, फिर भी ये रोती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ही भावुक होगी, इसीलिए शायद ये रो रही है। ऐसा सोचकर सारे लोग उस बात को भूल जाते हैं और वो अंत्यविधि के समापन होने के बाद, संपन्न होने के बाद सारे लोग अपने घर चले जाते हैं। घर में जाने के बाद कुछ हफ्तों बाद उस लड़की के ही घर में उसकी सास की भी मृत्यु हो जाती है। उसकी सास की मृत्यु के बाद भी सारे लोग फिर से जमा होते हैं और वही तामझाम फिर से शुरू होता है। सारे पड़ोसी उसके घर में जमा हो जाते हैं। उसकी सास जो रहती है वो अत्यंत ही कंजूस महिला रहती है। उसने अपने जीवन काल में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया होता, कोई सत्कर्म नहीं किया होता, हमेशा वो दूसरों की निंदा किया करती थी। और इतनी कंजूस थी वो कि अपने लिए भी उसने कभी कुछ किया नहीं। इस प्रकार से आत्मवंचना करते हुए उसने अपना जीवन काल संपूर्ण किया था। और जिस प्रकार से उस लड़की को वर प्राप्त था, फिर से उसे वो दृश्य दिखाई देने लगता है। वो देखती है कि उस महिला की आत्मा को भी यमदूत लेने के लिए आए हुए हैं। वो उन्हें रुकाकर उस शरीर के पास आती है और उस शरीर को लातों से, घूसों से मारने लगती है और मारकर उसे बहुत ही ज़्यादा दुत्कारने लगती है। इस प्रकार से वो कई बार करती है। ये दृश्य देखकर वो लड़की हंस पड़ती है। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती, हंस पड़ती है। वो ये भूल जाती है कि वर्तमान में वो कहाँ बैठी है, क्या चल रहा है। सारे लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, अचंभे से उसे देखने लगते हैं कि आखिर क्या बात है, माँ जैसी अपनी सास की मृत्यु पर ये लड़की हंसती है। जब सारे लोग उससे पूछने लगते हैं वो डर जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या कहे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आता है और सारे लोग के पूछने के बाद भी जब वो कुछ नहीं कहती तो उसका पति उसके पास जाता है, क्योंकि उसके पति के अहंकार को चोट लगता है, उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और उसकी पत्नी हंस रही है। वो बहुत ज़बरदस्ती करके जब उससे पूछता है कि मुझे उसका कारण जानना ही है, तो विवश होकर उस लड़की को सारा वृत्तांत बताना पड़ता है, सब कुछ बताना पड़ता है पहले से कि किस प्रकार से उसे भगवान शिवशंकर से वर प्राप्त हुआ और किस प्रकार से उस वृद्ध मनुष्य की आत्मा की व्याकुलता को देखकर वो रो पड़ी और किस प्रकार उस महिला की आत्मा द्वारा उस शरीर को दुत्कारे जाने पर उसे हंसी आ गई। जैसा ही वो ये वाक्य को पूरा करती है वैसे ही वो पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि हमें निष्काम भक्ति करनी चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। संभवतः ये कथा, ये कहानी काल्पनिक हो, कहानी काल्पनिक हो या सत्य घटनाओं पर आधारित हो, किंतु उस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है, उस कहानी का आखिर तात्पर्य क्या है, उसे हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्यथा कहानियों का क्या प्रयोजन हो सकता है। इसीलिए हमें इस बात को जानना है कि इस कहानी का क्या तात्पर्य है। अगर वो लड़की भगवान शंकर की बात को मान लेती, जिसकी वो भक्ति करती थी, उस भगवान की बात को मान लेती और उनके कहे अनुसार अगर वो अपने कर्म करती तो अवश्य ही उसके जीवन का कल्याण होता, अवश्य ही उसे मुक्ति मिल जाती, मोक्ष मिल जाता। किंतु उसने ऐसा नहीं किया। ये बड़ी अजीब बात है कि वो लड़की को स्वयं का पता नहीं था, स्वयं की आत्मा का पता नहीं था, किंतु उसे दूसरों की आत्मा को देखना था। उस लड़की के जीवन में ऐसे गलत मांग हम क्यों करते हैं? हम सत्संग में सुनते हैं कि मोक्ष मिलवाना अनिवार्य है, तो मोक्ष की जो चीज है या मोक्ष की जो मांग है, वो मांग से हम हट क्यों जाते हैं?
ऐसा प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। भगवान शिव जी उनको बोल रहे हैं कि आपकी इच्छा हो तो आपको अब भी हम मोक्ष दे देंगे। मोक्ष कैसा मिलता है, आत्मा कहाँ जाता है, वो दूसरों का आत्मा ढूंढने की आवश्यकता क्या है तुझे। तुझे चाहिए तो अभी हम मोक्ष देते हैं। लेकिन वो लड़की बोलती, ना मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, दूसरों का आत्मा कहाँ जाता है, मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, वो ढूंढने का है। ऐसी गलत मांग हम इंसान क्यों करते हैं? इसका जवाब है हमारे में जो त्रिगुण है, रस तम सत्व, ये त्रिगुण हमें आने जाने का आवागम का जो फेरा है वो काटने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि हमारी जो उत्पत्ति हो गई है, ये उत्पत्ति ये तीन गुणों से ही हो गई है। हमारे शरीर में पांच तत्व है, आकाश पृथ्वी अग्नि वायु जल, और ये तीन गुण हमें कभी कभी हैवान बनाते हैं, हमें कभी कभी बंदर बनाते हैं। हम बुद्धिमान हैं तो भी दिमाग का उपयोग करते नहीं। तुकाराम महाराज हमारे महाराष्ट्र में होके गए, उनका अभंग है, जन्माचे ते मूळ पाहिले शुद्धन दुखासी कारण जन्म घ्यावा, रजतम सत्व आहे ज्याच्या अंगी याच गुणी जगी वाया गेला। तुकाराम महाराज कहते हैं कि जन्म का मूल ऐसा है कि दुख भोगने के लिए ही जन्म मिला है। क्यों जो दुख मिलता है वो अपने अभंग में आगे बताते हैं, रजतम सत्व आहे ज्याच्या अंगी याच गुणी जगी वाया गेला। रसतम सत्व, ये तीन गुणों का यह शरीर बन गया है, अंतकरण बन गया है, इस कारण हमारे में जो है ना वो हमें दिखता नहीं है। है तो हमारे पास ही, हमारे में ही छुपा हुआ है, लेकिन अंधे जैसी हमारी अवस्था हो गई। इधर हम एक आपको दृष्टांत दे देंगे। एक जन्मता अंधा आदमी पड़ोसी के घर में एक शाम हो गया कि बैठने के लिए जाता था, वैसे आज भी गया। उधर बहुत विषयों पर बातचीत हो गई और बाहर अंधेरा हो गया। जब बातें खत्म हो गई तो अपने घर में निकलने के लिए निकल पड़ा, तो पड़ोसी वाले ने उनको बोले कि रुकिए, आपको हम एक दिया देते हैं, अंधेरा हो गया है बहुत, दिया देते हैं। इस कारण पड़ोसी वाले ने उनके हाथों में दिया दिया। ये बोले कि अरे मुझे ये दिए की जरूरत क्या है, अंधेरा और प्रकाश मेरे लिए समान ही है। नहीं नहीं, पड़ोसी बोले ऐसे नहीं, आपके लिए समान है लेकिन जो सामने से आने वाले हैं ना उनको मालूम हो जाएगा कि कोई आ रहा है, और वो सावध से आ जाएगा, आपको भी तकलीफ नहीं होगी, उनको भी तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह आप ऐसे करो, ये दिया हाथों में देते हैं, वो लेकर आप जाइए। वो जन्मांध हाथों में दिया लेता ले रहा है, उन्होंने ले लिया और चल रहा है। एक 100-150 मीटर वो चला गया और सामने से एक आदमी आकर उनके ऊपर जोर से पटक गया, तो वो जोर से चिल्लाने लगा अंधा, अरे आपको दिखता नहीं है क्या, तो वो आदमी बोले कि अरे मुझे देखने को रहता है क्या, मैंने देखा तो हम आपके ऊपर आकर ऐसे क्यों पटक जाते थे, आपको दिखता नहीं। अंधा बोलता है अरे मुझे दिखता था तो मैं आपके ऊपर आकर ऐसे नहीं पटकते ना। ठीक है मुझे नहीं दिखा, आपको नहीं दिखा,
लेकिन आप अच्छा आदमी हैं, आपको दृष्टि है, मेरे हाथों में जो दिया है वो आपको नहीं देखा। तो जिनको दृष्टि थी वो दृष्टि वाला बोला कि आपके हाथों में दिया है वो भुजा है, दिखता नहीं, भुजा है, बंद है, तो हमें कैसे मालूम होगा। जो अंधा था वो अंधे को लगा कि मेरे हाथों में जो दिया है वो प्रज्वलित है, इस कारण वो बिंदास जा रहा था। और सामने वाला जो आदमी है उनको वो दिया दिखता ही नहीं था क्योंकि वो बुझा था, इस कारण वो उसके ऊपर आकर गिर पड़ा। ऐसी हमारी अवस्था हो गई है। भगवान ने हमारे अंदर जो प्रकाश दिया है, ज्ञान दिया है, शक्ति दी है, वो हमने हम पहचानते नहीं। क्यों? ये रज तम सत्व ये तीन गुण हमारा घात करते हैं और ये तीन गुण हमें सकाम बनाते हैं, हमें कुली बनाते, हमाल बनाते हैं, कर्मों का हमाल, और बुरे बुरे कर्म हमारे हाथों से करवा के लेते हैं। मन को बराबर पटाते हैं कि ये चीज हमें चाहिए, कौन से भी हालत में चाहिए, और वैसे मन और बुद्धि कर्म करवा के अंधेरे में या अज्ञान के अंधेरे में, अज्ञान के कीचड़ में हमें ढकल देती है। यह अज्ञान के कीचड़ से बाहर आने का है तो एक ही पर्याय है, गुरु। इसलिए गुरु के पास आना चाहिए। जैसे अर्जुन अभी अज्ञान के कीचड़ में फंस गया है और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा, इस कारण बार बार अर्जुन को समझाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने सांख्य योग बताकर उनको अध्यात्म सिखाने का प्रयास किया है तो भी उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस कारण अभी कर्मयोग सिखा रहे हैं कि देखिए आप मानो या न मानो, लेकिन जो जो कर्म होते हैं वो कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। इस कारण जरा अच्छा कर्म करो। आज आपका अच्छा कर्म क्या है कि आप धनुर्धर है और जिस पर खड़े हैं वो रणांगण है, और रणांगण पर जो खड़ा है वो वीर को युद्ध ही करना अनिवार्य, ये उनका कर्म है, वो उनका फर्ज है। और रणांगण पर जो खड़ा रहता है उसके सामने जो रहता है वो कभी भी दोस्त नहीं होता, कोई आपतेष्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी होता है, शत्रु होता है, और उनसे मुकाबला करना, उनको मारना, यह वीर का कर्तव्य है, यह वीर का कर्म है, और यह अच्छा कर्म है क्योंकि आप वीर है, धनुर्धर है, इस कारण आपका यह फर्ज है, और यह फर्ज आपने नहीं निभाया और मुझे उससे पाप लगेगा क्या, मेरे पूर्वजों को पाप लगेगा क्या, ऐसा विचार करके आप कर्म करने का प्रयास किया तो आपके हाथों से ये कर्म नहीं होगा। इसलिए कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये कर्म करना इतना ही ध्यान में रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, जैसे हम आप लोगों को गारंटी देते हैं, विश्वास देते हैं कि हम जैसे बताते वैसे मार्ग पे चलो, और आपके जिंदगी का कल्याण नहीं हुआ तो मुझे पूछिए। सिर्फ 10 मिनट निकालो और मन की कसरत करो। ये मन एक जगह पे इकट्ठा नहीं बैठेगा, इस कारण जिनकी आप भक्ति कर रहे हैं उनकी मूर्ति जो है वो अपने अंतर्मन में पकड़ो और बहिर्मन से उनका जाप करो, और दो मन इकट्ठा करो और देखो 8-10 दिन ऐसे करने के प्रयास शुरू किया आपने कि आपको 8-10 दिन में उसकी जरूरत जरूर अनुभूति आ जाएगी। वैसे भगवान कृष्ण उनको अभी बता रहे हैं कि देखिए कर्म करना अपना फर्ज है, और कर्म करते समय भला क्या हो जाएगा, बुरा क्या हो जाएगा ये छोड़ दीजिए। मुझे सखा मानते हैं ना, मुझे सद्गुरु मानते हैं ना, मुझे भगवान मानते हैं ना, तो मेरा आदेश है कि आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, और युद्ध करते समय क्या उसका फल मिल जाएगा ये मन से हटा दिए तो आपके हाथों से अच्छा कर्म होकर आपको मुक्ति मिलाएगी। ऐसा भगवान कृष्ण ने
अभी उनको उपदेश किया है, आगे अर्जुन उसके ऊपर क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए हमें अगले सत्संग की राह देखनी पड़ेगी। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्याम वल्लभ रामचंद्र की जय।